खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी है, जहां उनके शिवराज सिंह चौहान ढाई महीना के भीतर दूसर बेग गिर पड़े हैं। मतलब एक जगह उत्तराखंड में सीढ़ीन पर गिरे हैं, मुस्कुराए और चल रही बीजेपी नेता के भतीजा के रिसेप्शन में गिरे हैं और यह दौरान यह हादसा भा। हालांकि कोनो चोट नहीं आई, किंतु सबसे बड़ी बात कि यह ढाई महीना में दूसरा एक बड़ा हादसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ घटा है। तो विन क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल भामकर तिवारी अपना पज्जन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह खबर के, जहाँ अपना पज्जन बताए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीढ़ीन से फिसल के गिर पड़े हैं। साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनका उठावागा और फिर चल देगा। सीएम शिवराज 18 अप्रैल का उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के भतीजा के रिसेप्शन में पहुंचे रहे। ढाई महीना पहले वो फिसल गए रहे, तब उनके पैर में चोट आई रही। वह हादसा एमपी के सीहोर जिला के प्रवास के दौरान भरा। रिसेप्शन काशीपुर में उधम सिंह नगर के होटल में रहा। एमा शरीर खोए की थी, कई एक राज्य से बीजेपी के मुख्यमंत्री और बड़े नेता आए रहे। सीएम शिवराज पहुंचे रहे, वहीं वो मेन गेट से आगे बढ़े और रिसेप्शन हॉल में जाए वाली सीढ़ी पर पहुंचे तो उनका पैर फिसल गया। शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उनका तुरंत उठा लिया। उठे के बाद सीएम मुस्कुरा के आगे चल रही। अपना अपने बताया यह साल जनवरी माह सीएम शिवराज के पैर में लोहे के सरिया घुस गया रहा। सीहोर माह मुख्यमंत्री शाम का शाहगंज इलाका में पार्टी कार्यकर्ता महेश पटेल के बेटे के निधन पर नारायणपुर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे रहे। पहले फ्लोर पर दिवंगत के फोटो रखी रही। सीएम जब सीढ़ी से हो के जा रहे हैं तब उनके पैर रोशनी के खातिर खुली जाली में फंस गया रहा। वह बाएं पैर में चोट आई रही और 1998-99 में जब वो सांसद रहे हैं तब उस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल भी रहे थे। निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम हालांकि सीएम शिवराज के सुरक्षा में चूक मानी जा रही कि चीजन का पहले जो है व्यवस्थित देखे ले चाहिए। ठीक है, ये कबो कबो ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में छोट मोट गलती हो जाती है। हालांकि यह घटना से कोहू के हताहत हो की सूचना नहीं प्राप्त भय कोनों में के जो है दुर्घटना छोट रही। हालांकि एक कोनों परिणाम बुरा नहीं मिला, किंतु सबसे बड़ी बात कि जल्दबाजी इंसान का कहाँ न कहाँ दुर्घटनाग्रस्त जो है माहौल में फंसाए दे थी। ऐसे बढ़बड़ाए न चाहिए। धीरे धीरे कोनों काम की जाए तो तबो काम पूर्ण हुई और एक व्यवस्थित रूप में संपन्न हुई। कहे कि मुख्यमंत्री के साथ यह दूसरा हादसा कहो न कहो ढाई महीने के भीतर एक चिंता के विषय जरूर लोगों के दिमाग में बना, किंतु अपना पत्र का बताया दी कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पूरी तरह स्वस्थ चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद।